नमस्कार, आपकी अदालत में आप सबका स्वागत है और आज के जज है हमारे तन्नु उर्फ लप्पा। चंचो बोल रहे हमने दादा। और आपकी अदालत में हमारे पास वो शख्स बैठे हैं जिन्होंने टिकटॉक की दुनिया में हलचल पैदा कर दी है, उनका नाम है आरिश शाह। तो आरिश शाह पे पहला इल्जाम ये है कि वो दादा बॉलीवुड के सभी हीरोइनों को कैसा लटका लेते तुम? अरे दादा, बड़ी सीधी सी बात है, मैं दिखता ही उठता चॉकलेट। वो तो दिख ही रहा है डेयरी मिल्क। देखो दादा, बड़ी सीधी सी बात है, मैं कभी किसके पीछे जाता नहीं। अब मेरे 2-3 वीडियो के वायरल हो गए टिकटॉक पे, पूरे हीरो ने मेरे पीछे पड़ गए। आलिया भट्ट, सारा अली खान, सनी लियोन, दिशा पटानी। अब मैं फोन नहीं उठा रहा तो मेरे घर पर आ जा रहे, मेरे अब्बा मेरे से झंझट कर रहे। फिर भाई कराता के बोले मेरी इज्जत का कचरा, मैं तेरे लिए हॉलीवुड के हीरो ने देख रहा और तू बॉलीवुड में जा रहा। रुको ना हो तुम, अनेक अंदर की बात मालूम क्या? अनन्या पांडे ने उसके पप्पा से झंझट कर ली, चंकी पांडे से, बोले मेरे को यही चॉकलेट बॉय होना। मेरे को मालूम नहीं है, मैं काली नागिन हूँ, मैं भी हरी नागिन हूँ, समझी क्या? अरे तो मैं क्या मुंगूस है क्या? मैं गुस्से की बारिश है, मैं भी अंधेरे की बारिश है, मैं गरीबी का कीचड़ है, मैं आंधी है, मैं तूफान है। मेरे दिमाग को टेंशन होने लगेगा, नहीं तो मैं कुछ भी कर लूंगी, मैं जल के मर जाऊंगी। हाँ तो मैं भी जहर खा के मर जाऊंगी। अरे मैं पुलिसों के हाथ से मर जाऊंगा। साला शेर और बकरी साथ में रह सकते, लेकिन तुम देवराने जिताने कभी साथ में नहीं रह सकते। चलो अंदर चल। अरे क्या रे भाई तन्नो, बाप रे, आया रे ये दादा, बहुत बड़े बड़े देता है यार, इसको संभाल लो तुम। क्यों रे भाई, क्या चालू है? कुछ नहीं हो दादा, कल जंगल में फुटबॉल खेल रहा था मैं, जब मारा मैंने किक, बॉल उड़ के चल गया सीधा डायनासोर के मुंह में। मैंने बोला उसको, देता भाई बॉल, उसने मुंह टेढ़ा कर लिया, अपना हो गया दिमाग खराब, जब पकड़ा मुंह और फाड़ी डाला ना रे भाई, बाद में निकल लिया मैंने बॉल। अरे ये तो कुछ भी नहीं रे भाई, 2 दिन पहले मैं तिर रहा ना समुंदर में, मेरे सामने आ गया एक जहाज, मैंने बोला उसको हटना रे भाई, हटित नहीं रहो, मेरा हो गया ना दिमाग खराब, जब मारा उसको भर भर आके फट, जहाज के 2 ही टुकड़े कर डाला ना रे भाई, तो अंदर से ड्राइवर की आवाज आ रही, अरे दादा बोले टाइटैनिक का जहाज था ये। तो मैंने बोला भाई मेरा दिमाग खराब हुआ तो मैं कुछ भी नहीं देखता, पूरा जहाज डूब गया वो। अरे बाप, बहुत बस्तर दिख रहा है तो मैं क्या मजाक कर रहा था क्या, बहुत ऊंची हस्ती है वो। अरे बेटा, जब तुम झुंझुन में थे ना तब हम मौत के साए में खेल रहे थे, चलो चल के बताओ। उम्र सारी होगा, इतना क्यों चिल्ला रहे? इसको समझा दो, हाँ मेरे फिर आँख में मत रहे बोलना, नहीं तो इसकी हड्डी फसली एक कर डालूंगी मैं। तुम भी इसको समझा लो, नहीं तो मसाले की गत पीसी डालूंगी इसको। हाँ क्या बोल रहा है, पूरे शहर के पुलिस लगा दो अपने घर पे और पूरा कड़क बंदोबस्त कर दो। आओ। क्यों दादा, क्या हो गया? अरे कल रात को फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फोटो अपलोड कर दिया मैंने, पूरे शहर में धांधल मच गई ना, विद्या भारती और ब्रजलाल पियानी कॉलेज की लड़कियां पूरे घर पे आ गए, एक लाइन लग गई लाइक मारने वालों की, एक लाइन लग गई कमेंट मारने वालों की, इसलिए पुलिस का बंदोबस्त करना पड़ा है। अरे ये तो कुछ भी नहीं रे भाई, 2 दिन पहले मेरे छोटे भाई ने ट्विटर और व्हाट्सएप पे मेरी फोटो अपलोड कर दिया और वो फोटो इतनी वायरल हो गई कि पेपर में वीडियो आ गया और रेडियो पर फोटो आ गई और पूरे बॉलीवुड के हीरो ने मेरे घर के सामने आके खड़े हो गए ना और बम चिल्ला रहे, निकालो आरिश को बाहर, मेरे अम्मा डर गए ना रे भाई। अरे रुक रे भाई, फिर ये फोटो देख ली ना आलिया भट्ट ने, मेरे चक्कर में रणबीर कपूर से ब्रेकअप कर ली उसने, और उधर दिशा पटानी ने टाइगर श्रॉफ को झापड़ मार दी, फुकट जीरी बोले तेरे साथ नेक्स्ट बॉयफ्रेंड मेरा यही रहेगा। अरे बता रे भाई, इतने कैसे झूठे बातें कर रहा? अरे वाह रे वाह, तुम पादरे तो भारी, हम पादरे तो बात सारी, चलो निकलो बेटा चल के बताओ चल। किरे भाई, क्या मार लिया सर को? अरे कुछ नहीं हो दादा, कल झगड़ा हो गया था अपना, पट्टे चिका दी रख गया। जाओ दादा, तुम्हारा झगड़ा नहीं हुआ था कभी? अरे भाई मेरा झगड़ा तो एक बार वो निगरों के साथ हो गया, वो काले रहते नहीं के 6-6, 7-7 फुट के 15-20 आ गए ना मेरे आंग पे, फिर क्या पूछता जब मार रहा उनको, बागी पिक्चर में भी क्या मार रहा हूँ मैं टाइगर श्रॉफ। अरे दादा जल्दी चलो, झगड़े हो गए अपने। बस इतनी सी बात, तुले तो माई थे तु बहुत शमरेले, एकता भारिया मतलब एकता, चल एक मिनट, अबे जाने से पहले दादा की दहशत तो देख लो।
ए बेटा मुन्ना इधर देख, ए छोटू, ए चिकने इधर देखना बेटा। अरे दादा तू, मैं क्या मजाक कर रहा था, मैं गलती हो गई मेरे से। मार तो तुझे खाने पड़ेगा। अरे बा कोच साहब, पैसा कितना भी लग जाए अपने को अपने बेटे को बहुत ऊंचा प्लेयर बनाने का है। अच्छा चलो ठीक है। क्या हो दादा, ऐसा लग रहा क्रिकेट सिखा रहे तुम बच्चे को? अरे कहा दूसरे के पास भेज रहे उसको? तुम्हारा भाई इतना हार्ड खेलता, जब मैं मारता साइंस को रूपए से बॉल, एक तो राजकमल पे गिरना, नहीं तो डायरेक्ट राजा पेट पे। अरे ये तो कुछ भी नहीं रे भाई, एक बार मैं खेल रहा ना बैट बॉल वानखड़े स्टेडियम में, जब मारा भर भर आके शॉट, बॉल गिरा कोलकाता के ईडन गार्डन में, उधर से अपने गली का फोन आ रहा धोनी का, बोले दादा मेरे को भी सिखाओ, बोले तुम्हारे जैसा बैट बॉल। मैंने बोला देख रहे भाई, एक शॉट सिखाता वो है हेलीकॉप्टर, उसके आगे नहीं बताऊंगा। देखो दादा, फिर तो तुम माही को पहचानते होंगे। कौन सा माही रे भाई? कौन सा माही? अभी तो तू बोल रहा था भाई कि मैंने धोनी को क्रिकेट सिखाया। अरे मेरे बेटे को क्रिकेटर बनाने का, मेरे को लप्पासी बनाने का। ऐसा क्या?